वर्गीकरण किया तो किस नेता ने आपके लिए आवाज उठाई सड़क पे उतर के? कौन सी पार्टी थी जो आपके लिए सड़क पे उतरी? कौन थी जिन्होंने आपके हक का हनन होने नहीं दिया, जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए सड़क पे उतरी? अभी जो वर्गीकरण करने की शरारत सरकार ने करी, कौन सा नेता आपको सड़कों पे दिखा? कौन से नेता, कौन सी पार्टी ने कॉल दी? वो जिन्होंने ढोंग किया संविधान बचाओ यात्रा निकाल के कि संविधान को बचाएंगे हम, वो लोग समझना हमें है। अगर हम बार बार शेख चिल्ली बनते जाएंगे कि जिस टहनी पे बैठे हैं उसी टहनी को काट रहे हैं, तो मूर्ख हम हैं, वो लोग नहीं है। पीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, नीला झंडा, नीला झंडा। तो कौन सा निशान? हाथी निशान। नीला झंडा तो है लेकिन निशान कौन सा होगा? हाथी निशान। बड़ी बात नहीं करूंगी, भाषण नहीं करूंगी, दिल में एक दर्द भी है और आप सबको देख के भरोसा भी है। वो दर्द इसलिए कि क्या आज फिर से हम यहां संकल्प लेने आए हैं कि अगली बार फिर आएंगे, या संकल्प लेने आए हैं कि घर जाएंगे अच्छा अच्छा खाना खाएंगे? आज तो संकल्प दिवस है, रिश्तेदार आए हैं चार, या फिर ये संकल्प लेंगे कि मैं पढ़ूं, अच्छा बनूं, अच्छा पैसा कमाऊं, मेरे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू फैमिली हो गया। ये संकल्प लिया, ये संकल्प लिया हमने कि ओरिजिनल कॉपी के पीछे जाना है या डुप्लीकेट? ओरिजिनल। तो आज आप मुझे ये सारी चीजें बताएं कि क्या बाबा साहेब के या हम लोग सच में ओरिजिनल बच्चे हैं? सुनियार जो होता है ना, सुनियारा, सुनियारा कहते हैं है ना, सुनार, सुनार, हमारे पंजाबी में सुनियारा कहते हैं, सुनहार, सोनी, ओके। और कपड़े वाला या कोई भी बिजनेसमैन वाला, उसको अपने प्रोडक्ट की ना असली पहचान होती है। सुनार अपने आप को बता देगा कि असली डायमंड मर्चेंट बता देगा कि असली हीरा है ये नकली हीरा है। आप सोने के वाले के पास जाओगे वो बता देगा गोल्ड स्मिथ ये असली सोना है ये नकली सोना है। कपड़े वाले के पास जाओगे तो वो बता देगा ये असली कपड़ा है तो ये नकली कपड़ा है। तो क्या हम लोगों को कब पहचान होगी कि नीला रंग असली कौन सा है और नकली कौन सा है? मार्केट में इतनी डुप्लीकेट कॉपी आ चुकी है जो बिल्कुल आपको हूबहू एक जैसी लगेगी, तो क्या वाकई में वो ओरिजिनल कॉपी है? क्या हमारी नजर इतनी तराची नहीं है? क्या अब हम इतना विजन हमारा कम हो गया? क्या हम भी बाबा साहेब के ओरिजिनल बच्चे नहीं रहे जो पहचान नहीं पा रहे हैं? हम गर्व से कहते हैं कि बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, नीला झंडा, नीला झंडा। तो कौन सा निशान? हाथी निशान। नीला झंडा तो है लेकिन निशान कौन सा होगा? हाथी निशान। मैं आपको यही चीज बताने आई हूं। जब बाबा साहेब के बारे में पढ़ते हैं, उनके दर्द के बारे में पढ़ते हैं, तकलीफ होती है सुनकर कि इस जगह पे जब बाबा साहेब पूरी रात बैठे, वो आंसू उन्होंने बहाए, वो तकलीफ, वो जलालत, वो अपमान जो उन्होंने सहा, जब उनको निकाला गया, उनकी इज्जत नहीं करी गई, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि जो आज मैं सह रहा हूं, जो आज मैं देख रहा हूं, जो मैं तकलीफ जूझ रहा हूं, जिस अपमान से वो मेरी आने वाली पीढ़ियां, मेरी नस्लें, मेरा समाज नहीं सहेगा, और एक संविधान लिख के हम सबकी किस्मत बदल के चले गए। ऐसा ही हुआ क्या? उस कर्ज का बदला हम चुका रहे हैं? अपने आप से पूछ कर देखो, हम चुका रहे हैं, हम नहीं कर रहे? हम पे बैक टू सोसाइटी, जो उन्होंने सिखाया था कि अगर तुम्हारे पास चार रोटी है ना तो चार में से एक खाओ, तीन बांटो, या तीन खा लो परिवार को दे दो, एक बांटो। आई मी माई सेल्फ, मेरा, मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाएं, मैं स्वार्थी हो गया, मैं कहीं भी नतमस्तक होके सर झुका रहा हूं। हमारे पंजाब में, पंजाबियों में एक कहावत है कि वो सर ही क्या जो दर दर झुके, वो सर ही क्या जो हर दर पे झुके, वो गला ही क्या। आओ आज इस पार्टी में कुछ नहीं मिला तो आज ये वाली पार्टी के माला डलवा लें सर झुका के। इस पार्टी ने हमें वो नहीं दिया एमएलए एमपी बनने का रास्ता, तो दूसरी पार्टी में जाके सर झुका के मालाएं डाल लें। ये मिशन चलाओगे? मूर्ख किसी और को बनाना बे। हम सब समझते हैं, आज की पढ़ी लिखी जनरेशन सब समझ रही है क्या हो रहा है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग वादा करेंगे और आप देखना उनको सोशल मीडिया पे, सुनना
कि मेरा सपना एमएलए एमपी बनने का नहीं है, मैं तो मिशन चलाना चाहता हूँ, या तो मैं तो मिशन चलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मिशन चलाऊंगी और चलाऊंगा भाजपा में जाके या कांग्रेस में जाके या इन दोनों का पैदा किया हुआ बच्चा आम आदमी पार्टी में जाके। वो लोग जिन्होंने कभी समानता की बात नहीं करी, वो लोग जिनको सिर्फ जिनके लिए दलित आदिवासी बहुजन समाज के मुद्दे, बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दों तक सीमित है। हम लोगों का हित, उन्हें हम लोगों के अंदर भाईचारा, हम लोगों की उसको समानता या हम लोगों का सत्कार सिर्फ और सिर्फ उन्हें इलेक्शन में क्यों दिखता है, ये हम लोग कब समझेंगे? हम लोगों को लगता है कि कितना अच्छा समझा है, क्या बात है, संविधान को पकड़ के सड़क पर रैली निकाल रहा है, यही असली बहुजन हितैषी है। बताएं, जब वर्गीकरण किया तो किस नेता ने आपके लिए आवाज उठाई सड़क पे उतर के? कौन सी पार्टी थी जो आपके लिए सड़क पे उतरी? कौन थी जिन्होंने आपके हक का हनन होने नहीं दिया, जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए सड़क पे उतरी? अभी जो वर्गीकरण करने की शरारत सरकार ने करी, कौन सा नेता आपको सड़कों पे दिखा? कौन से नेता, कौन सी पार्टी ने कॉल दी? वो जिन्होंने ढोंग किया संविधान बचाओ यात्रा निकाल के कि संविधान को बचाएंगे हम, वो लोग समझना हमें है। अगर हम बार बार शेख चिल्ली बनते जाएंगे कि जिस टहनी पे बैठे हैं उसी टहनी को काट रहे हैं, तो मूर्ख हम हैं, वो लोग नहीं है। वो लोग चलाक हैं, वो लोग हर कदम साजिश ही अपनाते हैं कि किस तरीके से इनको काटा जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस देश में दो वाद हैं, एक अंबेडकर वाद, दूसरा मनुवाद, और आपको समझ में आ गया अभी तक कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो मानवर साहब कांशीराम जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पे चल रही है? विचार किनके पास है? क्या अन्य पार्टियों, कांग्रेस के पास, भाजपा के पास विचार है? बताएं आप, विचार है, आइडियोलॉजी है? कहीं नहीं है। तो आपके जहन में आज संकल्प दिवस के समय मैं ये चीज डालना चाहती हूँ, हमें हमारा ये सबको याद रखने की, अगर विचार हमारी एक ही विचारधारा है, हमारा एक ही मिशन है, हमारी एक ही पार्टी है, हमारा एक ही नेता है, हमारा एक ही सपना है, वो विचारधारा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, वो मिशन है मानेवर साहब कांशीराम का, वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमारी एक ही नेता है माननीय बहन जी, बहन कुमारी मायावती जी, और हमारा सपना है इस देश का हुक्मरान बनना। ये जिस दिन आप इस मिशन को लेके चलोगे, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने आपका सब कुछ छीन लिया है दूसरे लोगों ने। आपके बच्चे जिस जगह से मैं पढ़कर आई हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से, एक प्रीमियम बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाई जाती है भारत की, आज आपके ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वहां शिक्षा महंगी कर दी, वहां NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसी पॉलिसीज लाके सरकारों ने आपके बच्चों के रास्ते रोक दिए। आपने, आप और हम नहीं दे सकते अपने बच्चों की 6 महीने की 3-3.5 लाख रुपया फीस सरकारी विश्वविद्यालयों में, सरकारी जगहों पर, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में नहीं दे सकते। आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। वो क्यों किए? वो सरकार जो प्रोजेक्ट, लोग कहते हैं नहीं, कांग्रेस ना अच्छी है, कांग्रेस में फिर भी सांस आता था, अच्छी है। क्या अच्छी है? पूंजीवाद अगर प्राइवेटाइजेशन को लेकर आया था तो वो सबसे पहले कांग्रेस लेके आई थी। अगर आपकी 60 से 62 उम्र किसी ने रिटायरमेंट करी थी, वो कांग्रेस लेके आई थी। अगर अस्पतालों को, शिक्षा का निजीकरण कोई करने के लिए लेके आया था, तो वो कांग्रेस लेकर आई थी। और उसके बाद भाजपा सरकार ने कुछ ज्यादा नहीं किया, वो धीरे धीरे आपका गला काट रही थी। जैसे ही भाजपा सरकार आई, एकदम से चटके से आपका गला काटा और सब कुछ आपके पास से छीन लिया, और हम आंखों पे पट्टी देके बैठे रहे। हम सपला दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भेजेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा बाबू बनेंगे, लेकिन हम मूवमेंट भूल गए। जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हम भूल गए थे, माननीय साहब कांशीराम ने जी ने उस मिशन को, उस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमें पढ़ाया, हमें सिखाया, हमें सड़कों पे धूप में गर्मी में चलकर बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्या है, उन्होंने आपके लिए क्या किया। और वही चीज आज मैं गर्व से कहती हूँ एक महिला होने के नाते, और आप सबको गर्व करना चाहिए इस बात पे कि हमारी नेता एक महिला है, हमारी नेता एक महिला है, बहन कुमारी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। इस बात पे आप सबको गर्व करना चाहिए। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड, कि मैं उस समाज की तरक्की को तभी तरक्की मानूंगा असल मायने में
मैं तब देखूंगा कि उस समाज की महिला ने कितनी तरक्की करी है। इसीलिए बाबा साहेब ने कभी हमें पीछे नहीं रखा। बाबा साहेब ने हमेशा माता रमाबाई को, महिलाओं को सम्मान दिया, आगे की आगे लेकर चले। और आप भी संकल्प भूमि से आज संकल्प लेके जाइए कि अगर आपके घर की महिला, बच्ची या कोई भी औरत अंधविश्वास में डूबी है, तो इस तरीके के कार्यक्रमों में जब आप आए तो उनको अपने साथ लेकर आए और कुर्सी पे उनको अपने से आगे बिठाएं, क्योंकि वही है जो आपका मार्गदर्शन करेंगी महिलाएं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि पहली बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मैं संकल्प लेके इस धरती से आज जा रही हूँ। जैसे मानिवर साहब ने कहा था कि मुझे ना बिकने वाला समाज चाहिए, ये डॉक्टर रितु आज संकल्प लेके जा रही है कि ये सर जो है कभी धर धर नहीं झुकेगा। और यूट्यूब का आज माध्यम है, यूट्यूब के माध्यम से ये चीजें सदा सोशल मीडिया पर रहती हैं। और मैं चाहती हूँ कि कल को जब मेरी आने वाली नस्लें दुनिया में आए तो मेरी जनरेशन मुझे देखकर लानते ना दे, गालियां ना निकाले, वो ये ना कहे कि जब हमारा सब कुछ खो रहा था तुम कहाँ थे। उनको ये याद आए कि जब जंग चल रही थी, हो रही थी, तो ये अपना सिर कटाने के लिए कतार में सबसे पहले खड़े थे, आखिरी में नहीं खड़े थे। मेरा नाम मैं चाहती हूँ उस अक्षरों में लिखा जाए। और अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए हर पल इसी तरीके से समर्पित है। गली में जाके, पैदल जाके, धूप में जाके, तीन रोटी की भूख होगी, एक रोटी आधी रोटी खा के, लेकिन मिशन को नहीं छोड़ेंगे और अपने आप को कभी बिकने नहीं देंगे और इसी तरह तरीके से समानता का जीवन जिएंगे। बहुत शुक्रिया।